इफ्तिखार चाचा ने तो बहुत ही कमाल कर दिया ना। इफ्तिखार भाई ने आने से पहले ही बोल दिया था कि ऑस्ट्रेलिया के ग्राउंड्स में उनके लिए छक्के मारना कोई मसला नहीं है। फैंटास्टिक। पैसे वसूल। बिलाकर टीम पाकिस्तान से शायकीन को खुशी की कोई खबर मिली है और पाकिस्तानी शायकीन हमारे साथ मौजूद है जो कि बहुत खुश है और इनसे हम बात करते हैं। आप बताएं कैसी बैटिंग लगी आज फिर पाकिस्तान की, खासकर इफ्तिखार ने और शादाब ने बड़ी अच्छी बैटिंग। खार चाचा ने तो बहुत ही कमाल कर दिया ना जी, छा गए जी। और दूसरे कौन सा पूछ रहे थे? शादाब खान। सही, शादाब खान ने भी बड़ा मेरे ख्याल से कमबैक रहा है इस वाले। चाचा दोनों कहना इफ्तिखार को सच्चा, मतलब ये तो मोहब्बत से कह रहे हैं सर, मतलब उन परफॉर्मेंस दी है उन्होंने तो चाचा, तो हमने तो बड़ा जबरदस्त इंजॉय किया है। आप बताएं कैसा लगा बैटिंग पाकिस्तान, कैसी लगी? बहुत अच्छी, बहुत मजा आया। पैसे वसूल, पैसे पूरे हो गए टिकट के? जी जी हो गए, बच्चे थक गए, हम घर जा रहे हैं। आप बताएं कैसी बैटिंग, कैसी लगी पाकिस्तान की खासकर? आप बड़ा अच्छा खेल रहे हैं। किसकी ज्यादा अच्छी लगी बैटिंग? शादाब खान। आज कैसे फिर बैटिंग लगी आपको, खासकर इफ्तिखार ने और शादाब खान ने जो की? बहुत 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 अच्छी, आउटस्टैंडिंग। तो कोई नाराजगी खत्म हो गई आपको? नाराजगी उनसे खत्म है, लेकिन कैप्टन से है कि वन डाउन आ जाए। वन डाउन आना चाहिए उसको। अच्छा आप बताएं कितनी खुशी हुई है पाकिस्तान ने? खुशी हुई है, इंशाल्लाह ताला वो सभी फल में जाएंगे हम। आप बताएं जी कैसी बैटिंग की है पाकिस्तान, शादाब खान ने खासकर कैसी बैटिंग? माशाल्लाह बहुत अच्छी बैटिंग की है, तो बॉलिंग शहीन शाह फरीदी ने बहुत अच्छी की है। आप बताएं सर, इफ्तिखार भाई ने आने से पहले ही बोल दिया था कि ऑस्ट्रेलिया के ग्राउंड्स में उनके लिए छक्के मारना कोई मसला नहीं, उन्होंने साबित कर दिया। सेकेंड इनिंग है, इंडिया के खिलाफ भी बहुत ज़बरदस्त बैटिंग की। आज भी साउथ अफ्रीका ने स्टार्ट में फील्ड स्क्वायर्स पे लेकर शॉर्ट पिच बॉलिंग की, बैट्समैन को शुरू में थोड़ा प्रॉब्लम हुआ, जैसे ही बॉल थोड़ी ओल्ड हुई हमारे बैट्समैन ने कमबैक किया और मैच बना दिया, वरना लग रहा था कि आज स्कोर नहीं होगा। तो ऑसम प्ले। आप बताएं इफ्तिखार साहब ने कैसी बैटिंग की? सर बहुत ज़बरदस्त, हम अपने मिडिल ऑर्डर को जो है कंप्लेन कर रहे थे, बट ही प्रूव दैट ही इज़ अ गुड बैट्समैन एंड इट वाज वेरी गुड। शादाब एंड इफ्तिखार प्लेड रियली वेल। तो पाकिस्तान टीम से जो नाराजगी वगैरह टाइप सीन था वो खत्म हुआ किसी हद तक? नहीं, पाकिस्तानी टीम से कभी नाराजगी नहीं रही, मतलब दे बीन डूइंग प्रीटी वेल फॉर पास्ट कपल ऑफ इयर्स। तो T20 गेम है, कभी भी कुछ हो सकता है। एंड द अदर गेम्स दे लॉस्ट, दे लॉस्ट ऑन लास्ट बॉल, तो इतनी तो उनको रियायत दें यार, मतलब पर वी नो लाइक वी ट्रीट देम रियली बैड। हमारा क्राउड थोड़ा सा इस तरह, पर आई थिंक दे बीन डूइंग प्रीटी गुड। सर आप बताएं क्या कहेंगे पाकिस्तान की तरफ से, बिलाकर अच्छी खबरें मिली आपको? अभी इस मैच में तो अच्छा खेले हैं, बॉलिंग भी अच्छी की है, लेकिन फिर भी ये जो अभी हमारा कैप्टन जो अभी ओपनिंग भी आ रहा है, उसको ओपनिंग में नहीं अभी आना चाहिए। पिछले 3-4 मैचों में इन्होंने कोई अच्छी इन्फॉर्मेशन नहीं दी है, इनको वन डाउन आना चाहिए, तो कोई यंग लड़के को ऊपर लाना चाहिए, क्योंकि ओपनिंग के लिए जो है बहुत अच्छा है कि ओपनिंग में पहले 6 ओवरों में कुछ ना कुछ ऊपर जाएँ अच्छे रन बने, लेकिन अगर 3-4 पे आउट हो जाते हैं, 10 भी आउट हो जाते हैं, तो ये कोई ओपनिंग का बात नहीं है। मोहम्मद हारिस बहुत अच्छा खेला यार, हारिस को पहले खाना चाहिए था, बहुत अच्छा खेला है। हाँ।